अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ मैं आज का व्लॉग शुरू करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं डबल डी सिटी हाउसिंग जेल में खड़ा हूँ। डबल डी की जो रेमुनेशन हो रही है सारी मुकम्मल, इसकी तज़ीन व आराइश हो रही है। इस तरफ आप देख सकते हैं मुकम्मल, अब ये पोजेशन के लिए रेडी है। डबल डी जो है मुकम्मल पोजेशन के लिए रेडी है, एक्सेप्ट वो जो 9 नंबर स्ट्रीट है वो वहाँ पे वो बन रही है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये वाला जितना भी एरिया है ना, यहाँ पे दरख्त वगैरह लग चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोल का निज़ाम इन्होंने ओके कर दिया है, जो इलेक्ट्रिक पोल हैं वो ओके हो चुके हैं, स्ट्रीट्स मुकम्मल हो चुकी हैं, सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल हो चुका है। तो ये जो स्ट्रीट्स हैं ये वाली वहाँ तक डबल डी ये कम्प्लीटली अब ओके है, फॉर रेडी है फॉर पोजेशन के लिए। तो ये आज इसके बारे में आपको वीडियो बतानी थी कि डबल डी का जो काम है वो कहाँ तक पहुँचा है। तज़ीन और रश फुल अरूज पर है। तो अभी मैं सारी जितनी भी है उसकी वीडियो वगैरह बनाकर आपको इस वीडियो में सारा कुछ दिखाता हूँ। ये देख लें, यहाँ पर ये इन्होंने दरख्त वगैरह लगा दिए हैं और वो मेन बुलेवार्ड है, उसकी भी मैं बाद में आपको वीडियो वगैरह बनाकर दिखाऊँगा। तो अभी मैं मुख्तलिफ मकाम से वीडियो लूँगा डबल डी, सिर्फ आज मैं डबल डी ब्लॉक की वीडियो लूँगा, इसके बाद कल मैं डबल ई ब्लॉक है उसकी। तो आए थोड़ा सा और आके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं डबल डी में एक दूसरी जगह आया हूँ, यहाँ पे ये सीवरेज का नाला है, इसके उस तरफ और इस तरफ प्लाट्स हैं जो टू साइड ओपन है। ये सीवरेज का नाला है जो कम्प्लीट और है, और ये ऊपर से बंद कर दिया जाएगा, मुकम्मल इसको बंद कर दिया जाएगा। जैसे कंक्रीट का काम इधर हुआ है अंदर से, देख लें मुकम्मल ये कंक्रीट हुई है, तो इसको भी ऐसे ऊपर से भी क्लोज़ कर दिया जाएगा ताकि वो जो स्मेल वगैरह वो ना आए। तो यहाँ पे टू साइड प्लाट हैं, जो दूसरे उस तरफ जो प्लाट हैं उनका मुँह उस तरफ होगा और इनका मुँह इस रोड की तरफ होगा, और ये सीवरेज का नाला है। ये एफ ब्लॉक से आ रहा है सारा, और इस तरफ जा रहा है डी ब्लॉक की तरफ। डी ब्लॉक से उस तरफ वो गांव है, उस तरफ राठियाँ, राठियाँ गांव की तरफ इसका पानी मोड़ दिया जाएगा। पूरे टाउन का जो पानी है वो राठियाँ गांव है, इस तरफ साथ नहीं है, उसकी दूसरी तरफ ये बाहर की तरफ से ये पानी सारा मोड़ दिया जाएगा। और रोड्स का जितना भी काम है, रोड्स का, सीवरेज का और जो इलेक्ट्रिक पोल है, वो सारा काम कंप्लीट हो चुका है। उस तरफ वो सामने जो मशीनें खड़ी हैं वो असफाल्ट का काम उधर हो रहा है, इस तरफ असफाल्ट का काम हो रहा है। और ये सारा आप देख सकते हैं, ये वाला इलेक्ट्रिक सॉरी ये वाला नाला है इस, और इस यहाँ पर प्लाट ना टू साइड ओपन प्लाट काफ़ी महंगे सेल हो रहे हैं, क्योंकि बैक साइड इधर ये नाले की वजह से स्पेस मिल जाती है। तो यहाँ पे ऊपर तो ऑफ कोर्स मकान तो नहीं बनेंगे, तो ये पेडेस्ट्रियन एरिया बना देंगे या जो भी है, लेकिन ये टू साइड ओपन प्लाट्स होंगे। ये सेंटर वाली जगह बीच में खाली होगी, इधर भी प्लाट हैं, इस तरफ भी प्लाट होंगे, उस तरफ भी प्लाट होंगे, ये वाली जगह बीच में खाली होगी, तो इनको टू साइड ओपन प्लाट की कैटेगरी में रखा गया है। अभी मैं एक और लोकेशन पे आया हूँ, ये डबल डी ब्लॉक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये जिस स्ट्रीट में मैं खड़ा हूँ, यहाँ से लेकर इस स्ट्रीट से लेकर यहाँ तक जितना भी एरिया है ये सारा डबल डी ब्लॉक ये रेडी फॉर पोजेशन है। इलेक्ट्रिक पोल, सीवरेज, जो रोड्स की तज़ीन आराइश है, ये सामने दरख्त वगैरह जो लगे हुए हैं, पौधे वगैरह लगे हुए हैं, ये इन्होंने यहाँ तक सारा कम्प्लीट कर दिया है। डी पी एल लग चुकी हैं इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक के लिए जो लोग इधर घर बनाना चाहेंगे तो वो उनको वो जो ये इलेक्ट्रिक पोल आपको नज़र इलेक्ट्रिक वर्क्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ से कनेक्शन दिए जाएंगे। तो ये भी डबल डी ब्लॉक में हर जगह नस्ब हो चुकी हैं, और वो जो आप सामने देख रहे हैं कंक्रीट वाली मशीन है, तो वहाँ पर वो नाले पर काम हो रहा है। यहाँ से लेकर आगे तक जितना भी काम है डबल डी ब्लॉक का ये रेडी फॉर पोजेशन है। और इस तरफ जो है यहाँ से आप देख लें ये सारा काम इस तरफ रहता है। रोड्स तो बन चुकी हैं, वो सामने भी रोड्स बन चुकी हैं, इलेक्ट्रिक पोल भी इधर लग चुके हैं, लेकिन ये नाले की वजह से काम अभी थोड़ा डिले हो चुका है,
क्योंकि नाला काफ़ी टाइम ले रहा है, लेकिन ये भी आने वाले चंद दिनों में इसका भी नाले का जो कंक्रीट का काम है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोल इधर सब सारे लग चुके हैं, ड्रोर्स भी बन चुकी हैं, ठीक है। तो अब बस ये इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, बाकी ऑलमोस्ट इस काम को भी मैक्सिमम 15 से 20 दिन लगेंगे। टोटल जो मैक्सिमम टाइम है, मैक्सिमम टाइम पीरियड मैं बता रहा हूँ आपको, 15 से 20 दिन लगेंगे ये। वो जो बड़ी रोड है वो आई थिंक 100 फीट रोड है, वो सामने जो मशीनें काम कर रही हैं, स्पाल का काम उधर हो रहा है, वो रहता था, वो भी आज कंप्लीट हो जाएगा सारा। इस तरफ आप देख लें डबल डी ब्लॉक रेडी फॉर पोजेशन है या इस स्ट्रीट तक, तो बाकी का जो रहता है वो तकरीबन 10 से 15 दिनों में वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आए आप मेन बुलेवार्ड की तरफ चलते हैं कि उसका काम कहाँ तक पहुँचा है। ये इस तरफ मेन बुलेवार्ड है, ये मेन बुलेवार्ड है, इस तरफ डबल डी ब्लॉक है और इस तरफ डबल ई ब्लॉक है, वो सामने फाउंटेन ब्लॉक इस तरफ, ये राउंड अबाउट है, ये वाला सारा ये राउंड अबाउट है। ये मेन बुलेवार्ड है, सामने इस तरफ वो द रूट मिलेनियम स्कूल है इस तरफ, और ये डबल ई ब्लॉक है इस तरफ, इस तरफ डबल डी ब्लॉक है। यहाँ से आप देख सकते हैं मुकम्मल जो ये वाला हिस्सा ना, ये रेडी फॉर पोजीशन है, ठीक है। और आने वाले दिनों में मैं ये डबल ई ब्लॉक की भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज सिर्फ डबल डी ब्लॉक के बारे में आपको गाइड कर रहा हूँ। यहाँ से ये मेन बुलेवार्ड जो है इस पर तंजीनो आराज का काम हो रहा है, ये भी कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे पौधे वगैरह दरख्त वगैरह लगाए जा रहे हैं, इस मुकम्मल रोड पर लगाए जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में इस पर बहुत ज़्यादा बिजनेस इन्वेस्टर्स के लिए और एंड यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा बिजनेस आने वाला है, मुल्की हालात जैसे भी हों, लेकिन ये अभी जो ये चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ ये अभी ऑन ग्राउंड हैं, और इन पे वाकई में अब लोगों का टाइम आ गया पैसे कमाने का, और हम लोग हैं जो डीलर्स, हम लोग इसमें हम एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं इन्वेस्टर्स के दरमियान, एंड यूज़र के दरमियान। तो एनीवे आई होप आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को ऐसे ही पसंद करेंगे और लाइक करेंगे, और मेरे वो व्यूज़ जो मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ के अपडेट को मिल सके। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।